गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के इंदिरा विहार इलाके में खौफनाक घटना हुई है। 56 साल के नन्हे खान और उनके बेटे सलमान पर घर के बाहर बाइक पार्किंग को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि जाकिर और उसके रिश्तेदारों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में नन्हे खान की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उनका बेटा सलमान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की शुरुआत तब हुई जब गली में नन्हे खान और जाकिर के बीच बाइक खड़ी करने को लेकर बहस शुरू हो गई। ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी दोनों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़े हो चुके थे, लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ गई कि जाकिर पक्ष के लोगों ने अचानक चाकू निकाल लिया और नन्हे और उनके बेटे पर वार करना शुरू कर दिया। बेटे सलमान के सामने ही पिता को चाकुओं से गोद दिया गया। अब जब सलमान ने पिता को बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया। चीख पुकार के बीच मोहल्ले में हंगामा मच गया और तुरंत पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नन्हे और सलमान को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने नन्हे को मृत घोषित कर दिया, जबकि सलमान की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। ACP इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। देखिए, आज शाम लगभग 5:30 बजे थाना खोड़ा को यह सूचना मिलती है कि थाना खोड़ा की बिरपल चौकी अंतर्गत इंदिरा विहार क्षेत्र में पिता पुत्र को चाकू लगा है, और जिसके कारण तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंचती है और इन लोगों को लेके लाल बहादुर शास्त्री इनके परिजन रवाना हो चुके होते हैं। वहाँ पर यह पता चलता है कि जो पिता थे, जिनका नाम नन्हे है, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनको मृत घोषित किया गया है, और जो उनका बेटा है जिसका नाम सलमान है, उसकी उम्र लगभग 25 साल है, उसको डॉक्टरों ने अभी खतरे से बाहर बताया। और यहाँ मौके पर जब पूरी घटना को तफसील से देखा गया तो यह पाया गया कि नन्हे और इनके पड़ोसी हैं जाकिर, इन दोनों लोगों में बाइक खड़ी करने को लेके, नाली के ऊपर बाइक खड़ी करने को लेके विवाद था। इस विवाद के कारण कहासुनी होने पर जाकिर और उनके लड़कों ने और कुछ रिश्तेदारों को के साथ मिलकर इन लोगों ने मृतक नन्हे के ऊपर और उनके बेटे सलमान के ऊपर हमला किया चाकुओं से, जिसके कारण वो लोग घायल हुए और यह घटना हुई। कुल कितने लोग शामिल थे पूरी वारदात में? देखिए, ये हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हम लोगों को तहरीर प्राप्त हो रही है परिजनों से तहरीर प्राप्त करके हम इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जाकिर और उनके बेटों का नाम इसमें आ रहा है, साथ में कुछ अन्य रिश्तेदारों का भी नाम आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद से मैं गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।